मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लुलु मॉल में हुई हालिया घटनाओं पर सख्त नाराजगी जताई है। बीते रोज प्रदेश भर के पुलिस प्रशासन के आला अफसरों के संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने कहा कि लखनऊ में एक मॉल खुला है जो अपनी व्यवसायिक गतिविधियां चला रहा है, उसको राजनीति का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि अनावश्यक बयानबाजी करना, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर जनता का आवागमन बाधित करना स्वीकार्य नहीं होगा। इसके जरिए सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लखनऊ प्रशासन इसे गंभीरता से और सख्ती से निपटे। प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्ती का निर्देश देते हुए योगी ने कहा, जो बेवजह माहौल खराब कर रहे हैं उन्हें किसी भी कीमत पर ना बख्शें। किसी को कोई समस्या है तो सूचना एवं शिकायत के लिए तंत्र है, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। राजधानी लखनऊ का लुलु मॉल उद्घाटन के पहले ही चर्चा में आ गया था। इसकी खासियत, तस्वीरें, मालिक का नाम, लुलु का मतलब, ये सभी चीजें गूगल पर सर्च किए जाने लगी। 10 जुलाई को उद्घाटन करने खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे और मॉल के मालिक यूसुफ अली ने खुद ड्राइव कर उन्हें मॉल घुमाया, लेकिन 2 दिन बाद ही मॉल में नमाज पढ़े जाने का वीडियो सामने आ गया और विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों ने विरोध जताया और आगे हनुमान चालीसा पढ़ने की बातें कही जाने लगी। पुलिस की जांच में पता चला है कि 12 जुलाई को नमाज पढ़ने वाले पैदल आए थे। सीसीटीवी फुटेज देखने से पता चला कि नमाज के वक्त उनकी दिशा भी गलत थी। युवकों ने 17-18 सेकंड में नमाज पढ़ी, जबकि ठीक से नमाज पढ़ी जाए तो करीब 10 मिनट तक लगते हैं। इससे ये बात साफ हो गई कि चर्चा में आए लुलु मॉल से जोड़कर जानबूझकर विवाद पैदा किया गया। वहीं पुलिस इस मामले में जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की बात कर रही है।